हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 के कीवर्ड्स उसके मीनिंग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्रॉप, द प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट ए प्लेस टाइप ऑफ क्रॉप। सेम काइंड के प्लांट जो है ग्रो होते हैं एक बड़े से प्लेस पे, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप। फॉर एग्जांपल वीट है हमारे पास, वीट की क्रॉप, ये बहुत मान लो बहुत बड़ा सा फील्ड है। सारी जो फील्ड है वो किससे भरी पड़ी है? वीट से। तो इट मींस ये कौन सी क्रॉप हो गई? वीट की क्रॉप। ठीक है, तो प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन इन ए प्लेस, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप। नाउ टाइप्स ऑफ क्रॉप, अकॉर्डिंग टू सीजन क्रॉप आर टू टाइप्स, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स द क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द नवंबर टू अप्रैल, फॉर एग्जाम्पल वीट। ऐसी क्रॉप्स जो क्या होती है, नवंबर से अप्रैल के बीच में ग्रो की जाती हैं, उन्हें कहते हैं रबी क्रॉप्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? वीट। नेक्स्ट है आपका खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग द जून टू अक्टूबर एंड एग्जाम्पल पैडी एंड मेज। तो जो क्रॉप्स अक्टूबर जून टू अक्टूबर के बीच में होती हैं, ग्रो होती हैं, मैच्योर होती हैं, उन्हें कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेज। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी undertaken by the farmers spread over a time period, these are called agricultural practices। देखो agricultural practices जब crop होती ना उसको क्या किया जाता है, farmer बहुत लंबे समय तक उसमें मेहनत करते हैं, जो उनकी soil के preparation करते हैं, manure डालते हैं, irrigation करते हैं, तो ये सारी process को agricultural practices कहते हैं। नेक्स्ट है सॉइल प्रिपरेशन, बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप द सॉइल इज फर्स्ट प्रिपेयर बाय द प्लॉइंग, लेवलिंग, एडिंग मैन्यूअर, दिस इज कॉल्ड सॉइल प्रिपरेशन। मीन्स क्रॉप को ग्रो होने से पहले हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? प्लोइंग करनी पड़ती है, हल चलाना पड़ता है, उसको लेवल करना होता है और उसमें मैन्यूअर वगैरह मिलाना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा सोइंग, सोइंग मीन्स अब मिट्टी को तैयार कर दिया तो उसमें क्या करना है? बीज बोना है। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल, सोइंग प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, सीड को सॉइल में पुट किया जाता है। तो ट्रेडिशनल टाइम में तो इस तरीके से करते थे, यहाँ से कीप के थ्रू डालते थे सीड और ऐसे लाइन से सीड जो है लगती जाती थी, पर इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था फील्ड में। तो नाउ अडे जो आजकल जो है ऐसा यूज़ किया जाता है, यहाँ से सीड डाली जाती है और देखो ये चार पाँच जगह से जो है सीड क्या होती है बाहर निकलती है और ट्रैक्टर वगैरह में इसको लगाया जाता है, जिससे कि फटाफट जो है सारा जो फील्ड होता है वो सारा कवर हो जाता है। नेक्स्ट है मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजेशन। ऐसे सब्सटेंस विच आर जो कि ऐड किए जाते हैं किसमें? सॉइल में, और किसके लिए? ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो, वो हेल्दी हो, तो उसे क्या बोलते हैं? मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इरीगेशन, इरीगेशन गिविंग वाटर टू द फील्ड एट द डिफरेंट इंटरवल फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड इरीगेशन। वाटर दिया जाता है फील्ड में किस लिए? प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, उसे बोलते हैं इरीगेशन। तो ट्रेडिशनल टाइम में आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल से पानी दिया जाता था, ऐसे निकाला जाता था फिर सारे फील्ड में डाला जाता था, ऐसे ही ये है यहाँ से पानी निकाल के और फिर ऐसे नालियाँ सी बनी होती थी और उसके थ्रू फील्ड में जाता था। नाउ अ टाइम क्या हो गया है, ट्रेडिशनल जो इस टाइम में है वो मेहनत नहीं क्या कही जाती है, मोटर लगा दी जाती है, पानी खींचता है और मेनली दो, एक स्प्रिंकल सिस्टम और एक ड्रिप सिस्टम आजकल जो है फेमस है। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, इस तरीके से मोटर पानी खींचती है नीचे से और ये पाइपें ऐसे लगी हुई है, परपेंडिकुलर पाइपें लगी होती हैं और पानी इसमें से जाके जैसे फव्वारों में ना पाइप निकलता है, पानी निकलता है, इस तरीके से जो है हमारे क्रॉप के पास निकलता है और इस तरीके से हमारी क्रॉप अच्छी ग्रोथ करती है और पानी भी कम लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है ड्रिप इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है, यहाँ से जब मोटर जो है पानी खींचती है तो ये जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स के पास क्या होता है, बूंद बूंद करके ऐसे पाइपलाइंस डली होती हैं और इसमें बूंद 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 पानी जो है वो निकलता है और क्रॉप जो है अच्छे से ग्रोथ करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वीट्स,
जब हम क्रॉप्स उगाते हैं और उसके साथ कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उन्हें वीड्स कहते हैं। अगर हम वीड्स को नहीं हटाएंगे तो हमारे प्लांट का न्यूट्रिएंट्स जो है ये वीड्स यूज़ कर लेती हैं और हमारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करते, ठीक है। तो अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप इज कॉल्ड वीड्स, मतलब ऐसे प्लांट जो अनवांटेड है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है और वो वीड्स के साथ उग जाते हैं उन्हें, और हमारी क्रॉप के साथ उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वीड्स। नेक्स्ट है वीडिसाइड्स, द केमिकल विच आर द यूज टू द डिस्ट्रॉय द वीड आर कॉल वीडिसाइड। ऐसा केमिकल जिसको यूज़ किया जाता है वीड्स को ख़त्म करने के लिए उन्हें वीडिसाइड्स कहा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो मैन है ये क्या कर रहा है, पीछे ये वीडिसाइड्स भरा हुआ इसने और स्प्रे से डाल रहा है, अपने नोज़ वगैरह कवर करके रखता है ताकि उसको ना नुकसान पहुँचे। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप को काटना मैच्योर होने के बाद, ठीक है, जब क्रॉप हमारी बड़ी हो जाती है मैच्योर हो जाती है तो उसको काटा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। तो ये देख सकते हैं पहले के टाइम में कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, सिक्कल होता था इससे एक 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 काटते थे और निकालते थे, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। आजकल तो कंबाइन आ गई है, ये क्या करती है फटाफट काट के और जो अनाज के जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं उनको भी निकालने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है थ्रेसिंग, द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। क्या होता है ऐसी प्रोसेस जिसमें सेपरेट किया जाता है किसको, ग्रेन को चाफ में से। देखो आपने राइस देखा होगा, राइस जो है कई बार आपने देख लिया होगा, वैसे तो होता ही है, राइस अंदर होता है और उसके ऊपर एक कवर होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो वीट होता है ना उसके ऊपर भी एक कवर होता है, जो कवर होता है उसको हम बोलते हैं चाफ। उस चाफ के अंदर से हम जो राइस को निकाल रहे हैं या वीट को निकाल रहे हैं ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। नेक्स्ट है स्टोरेज, द स्टोरिंग ऑफ ग्रेन आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इन लार्ज गोडाउन इज कॉल्ड स्टोरेज। थ्रेसिंग के बाद हार्वेस्टिंग के बाद अनाजों को बड़े से गोडाउन में इकट्ठा करना क्या कहलाता है, स्टोरेज। स्टोरेज जो है एक तो सिलोज में होता है, सिलोज क्या होता है, स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन ऑन द स्मॉल स्केल, छोटे स्केल पर जो है उसको स्टोर करना अनाजों को, उसे बोलते हैं सिलोज। और उसके बाद जो है ग्रेनीज, ग्रेनीज क्या होती हैं, ग्रेनीज आर द स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन ऑन द लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर ग्रेनीज में जो इकट्ठा किया जाता है अनाज। कैसे, ये देखो आप डायग्राम देख सकते हो, ये सिलोज है जो छोटे स्केल पर अनाज को इकट्ठा किया जाता है, ग्रेनीज जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज को इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री, द स्टडी ऑफ ऑल द एस्पेक्ट सच एज फूड शेल्टर हेल्थ केयर ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री भी क्या होता है कि हम किसी भी एनिमल को, ठीक है, कोई भी एनिमल फॉर एग्जांपल काऊ हो गया, ठीक है, मतलब इनको जब हम अपने फ़ायदे के लिए, गॉट हो गया, हैन हो गई, इनको हम अपने फ़ायदे के लिए उनको फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।